वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्वाचन प्रक्रिया एक जनपद एक चरण में संपन्न कराए जाने में मंडल के अन्य जनपदों तथा दूसरे मंडलों से बुलाए गए कार्मिकों की संख्या एवं उनके आवागमन की व्यवस्था किए जाने, संपूर्ण प्रदेश में एक जनपद एक चरण के तहत चार चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाने के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षण दिए जाने, निर्वाचन प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले सामग्री की उपलब्धता, संवेदनशील अति संवेदनशील प्लस एवं सामान्य मतदान केंद्र स्थलों की व्यवस्था का जायजा लेने के साथ मतदाता सूची को दुरुस्त किए जाने के लिए निर्देशित किया। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, CDO इंद्रजीत सिंह, ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विदेशी में आए हुए समस्त मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी का मैं आप सबका स्वागत करता हूं और इस चुनाव के संबंध में संक्षेप में कुछ आपसे बात करूं। इस बार भी चुनाव की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किए गए हैं जो पिछले चुनावों से भिन्न है। अभी तक चुनाव यहाँ चार चरण में या दो चरण जब भी होते थे वो ब्लॉक वार होते थे। इस बार ये जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है वो है कि चुनाव ब्लॉक वार न होकर के जनपद वार हो रहा है, यानी पूरे जनपद का चुनाव एक साथ होना है, एक जनपद का चुनाव एक साथ होना है। हो सकता है मंडल में एक बार में एक जनपद का हो, प्राय ही होगा एक मंडल में एक जनपद का एक बार में होगा, लेकिन पूरे जनपद का होगा। इसके चलते कई सारी समस्याएं आ रही थी, कार्मिकों की दिक्कतें हो रही थी, इसलिए मतदान पार्टी का स्ट्रेंथ जो है उसको 1+4 की जगह 1+3 कर दिया गया है। दूसरा ये है कि जो रिजर्व में जो रखे जाते थे वो 30% से घटा के 20% कर दिया गया है। P3 और P4 के लिए संविदा कर्मियों की भी अनुमति प्रदान कर दी गई है। इस तरह से ये चेंजेस किए गए हैं ताकि एक जनपद का एक बार चुनाव कराने में कार्मिकों की कोई कमी महसूस ना हो, कोई दिक्कत ना हो। दूसरा ये है कि हर मतदान केंद्र पर जो एक महिला कार्मिक की अनिवार्यता थी पहले, उस अनिवार्यता को समाप्त कर दी गई है। अगर उपलब्ध है तो रखिए, ज़्यादा है तो ज़्यादा भी रखिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसलिए ये प्रतिबंध आपको शिथिल कर दिए गए हैं, इससे आपको सुविधा बढ़ेगी। इस बार चारों पदों के लिए एक ही पेटी रखा जाएगा, बैलेट बॉक्स एक ही रखा जाएगा और उसी में सारे मतपत्र डाले जाएंगे। वो जब भर जाएंगे उसके बाद फिर दूसरा मत पेटी का उपयोग किया जाएगा। तीसरे की आवश्यकता होगी तो वो किसी सेक्टर मैजिस्ट्रेट या लोकल मैजिस्ट्रेट के पास उपलब्ध रहेगा, हालांकि उसकी आवश्यकता बहुत कम जगह पड़ती है। अगर ऐसा होता है तो आप उसको मंगवा सकते हैं। तो ये जो चुनाव व्यवस्था में मोटा मोटा जो इम्पोर्टेंट परिवर्तन हुए थे वो मैंने आपको बताया है। इस मतदाता सूची के संबंध में जब से चुनाव की चर्चा यहाँ प्रारंभ हुई है उसके बाद से सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, पॉलिटिकल लीडर्स आयोग कार्यालय में जाते रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो आपके यहाँ भी जाते हैं और मिलते होंगे आपको वैसे बताएंगे। तो मतदाता सूची के संबंध में किसी की कुछ शिकायतें रहती हैं तो वो जो शिकायतें आती हैं यहाँ से हमने आयोग में भी उस पर रखवाया है और सभी जनपदों को प्रेषित किया है। तो मतदाता सूची से संबंधित जो शिकायतें उसका गुणवत्तापूर्ण एक निस्तारण होना चाहिए कि ये तो सूची में गड़बड़ियाँ की गई है, वो जानबूझ के की गई है, अनजाने में की गई है, जो भी कारण हो उसको देख लिया जाए, उसको दुरुस्त किया जाए और जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई भी कहीं अगर आवश्यक महसूस हो वो भी करना चाहिए। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें। तो वोटर लिस्ट का जो वृद्धि का प्रतिशत है वो देख लीजिए, आपके जनपद का जो एवरेज औसत प्रतिशत है, आप अभी चाहें तो वोटर लिस्ट में जो भी एडिशन डिलीशन या जो भी संशोधन करना है वो आप कर सकते हैं। इसको करने से ये है कि हर व्यक्ति कम से कम वोट डालने की स्थिति में होगा, कोई इससे वंचित नहीं होगा। क्योंकि होता ये है कि अगर एक इच्छा हो जाती है
कई जगह हमने देखा कि वोटर लिस्ट की अशुद्धता के कारण कई जगह चुनाव बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बड़े बड़े शहरों में। अब ये चुनाव जो है पंचायत का, ये चूंकि काफ़ी जटिल है, स्थानीय स्तर पे गांव ग्रामीण स्तर पे चुनाव लड़े जाते हैं, सब एक दूसरे को जानते रहते हैं, देखते हुए इन चीज़ों के बारे में निश्चित रूप से ज़्यादा स्वयं आप संवेदनशील रहें, क्योंकि आप संवेदनशील रहेंगे तो ये व्यवस्था जनित समस्या फिर हमारे समक्ष नहीं आएगी। व्यवस्था से जुड़ा हुआ दूसरा बिंदु जो संवेदनशीलता को बढ़ाता है और चुनाव को मुश्किल बनाता है, वह है आपका मतदेय स्थल और मतदान केंद्र का चयन। आप लोगों ने काफ़ी विवेकपूर्ण ढंग से इसका चयन और क्या हुआ तय किया होगा, लेकिन फिर भी कहें अगर कोई कमी रह जाती है, क्योंकि अभी भी काफ़ी लोग यहाँ घूमते रहते हैं, हमारे यहाँ भी आते रहते हैं, तो साहब हमारे यहाँ इस मतदान केंद्र को बदल दिया जाए या यहाँ लगा दिया जाए वहाँ लगा दिया जाए, तो ये सारे लोग जनपद में सबसे पहले आप ही लोगों से मिलते होंगे, उस पर लखनऊ आते होंगे तो वो यहाँ भी आते हैं और कई लोगों से मिलते हैं। तो मैं कहना ये करना चाहूँगा कि आप लोग इसको जो भी इसका निर्धारण किया होगा अपनी जगह का, या इसमें जो भी परिवर्तन किया होगा, या संख्या में जो भी वृद्धि हुई, इसमें अपने विवेक का पूर्ण उपयोग करें ताकि ये कहीं आप आगे चल करके इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं रहे। दूसरा ये है पूरे जनपद का एक साथ होना है, तो जिला मजिस्ट्रेट वगैरह के लिए और जनपद के अधिकारियों के लिए एक तो निश्चित रूप से मुश्किल काम है, लेकिन इसमें आपकी कुशलता ही आपको इससे ज्ञान दिला सकते हैं और आप सफल इसमें हो सकते हैं। आप कितने कुशलतापूर्ण पूर्वक करते हैं, कितना विवेकपूर्ण ढंग से काम करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि इसको कितना सफल ढंग से आप इस काम को पूरा करें। तीसरी चीज़ जो इससे जुड़ी हुई है वो है मतगणना काउंटिंग सेंटर्स। काउंटिंग सेंटर्स हमने देखा कई बार बहुत सारी परेशानी, तो काउंटिंग सेंटर्स इस बार चूँकि आप लोगों के समक्ष बोर्ड की परीक्षा भी है जो 24 अप्रैल से पस्ता 24 अप्रैल से प्रस्तावित है और ये चुनाव भी लगभग उसी समय तक चलेगा, यानी परीक्षा के पहले ये चुनाव समाप्त हो जाएगा, मतगणना हो सकता है कि उसको 2-4 दिन आगे पीछे हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मतगणना स्थल कभी ऐसा ना रखिएगा जहाँ पर परीक्षा का केंद्र हो, तो परीक्षा केंद्र से अलग होना चाहिए मतगणना स्थल को, ये निश्चित रूप से विशेष ध्यान दीजिएगा और स्वयं जाकर इसका निरीक्षण कर लीजिएगा कि मतगणना केंद्रों की संख्या बहुत अधिक नहीं रहती है। मैं जिलाधिकारियों से भी व्यक्तिगत रूप से निवेदन करूँगा कि आप लोग स्वयं जाकर के मतगणना केंद्रों को देखें, निरीक्षण करें, इसमें अगर कोई कमी है तो उसको दूर करें, आपके जाने से उसकी गंभीरता बढ़ेगी। तो मैं निवेदन करूँगा कि आप लोग मतगणना केंद्र जरूर जाकर के देखिए, तो नहीं होंगे अच्छी बात।